तो लंबे इंतजार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट की कल घोषणा कर दी है। राजमहल से विजय हांसदा उम्मीदवार होंगे तो वहीं सिंहभूम से गीता कोड़ा के अपोजिट जोबा मांझी को मौका दिया गया है। क्या जोबा मांझी कमाल कर पाएंगे, क्या विजय हांसदा अपनी जीत की हैट्रिक को बरकरार रखेंगे, इन सीटों पर कैसा होगा ये मुकाबला, क्या दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है या फिर एक तरफा फाइट नजर आएगी। हमारी सहयोगी करिश्मा भी इस वक्त जुड़ी हुई है स्टूडियो में, सीधे उनका रुख करते हैं। करिश्मा, दो सीटें जिस पर जेएमएम ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है काफी इंतजार के बाद, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे थे और अब जाकर क्लियर हुआ कि सिंहभूम से गीता कोड़ा के अपोजिट अब जोबा मांझी चुनावी मैदान में होंगी, कितना दिलचस्प यहां पर मुकाबला आपको नजर आ रहा है। जी देखिए, झामुमो की ओर से और दो सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो गई है। एक राजमहल से विजय हांसदा, जिसे एक बार फिर से पार्टी ने आगे किया है। इससे पहले भी विजय हांसदा पर कहीं ना कहीं पार्टी ने 2019 पर भरोसा जताया था और वही भरोसा अब तक जो है बरकरार है। झामुमो की ओर से एक बार फिर से विजय हांसदा को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। और अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम से जोबा मांझी को आगे किया गया है। बता दें कि जोबा मांझी हेमंत कैबिनेट में मंत्री हुआ करती थी, लेकिन जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ तब जोबा मांझी को जगह नहीं दी गई और उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद लोकसभा का टिकट जोबा मांझी को मिल सकता है पश्चिमी सिंहभूम से। और ऐसा ही हुआ, कल जब देर शाम झामुमो की ओर से दूसरा लिस्ट जारी हुआ तब दो सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा हुई। एक तो गीता कोड़ा का मुकाबला करेगी जोबा मांझी, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि आखिर पश्चिमी सिंहभूम से इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो की ओर से कौन प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतरते हैं। कई लोग रेस में थे और यह भी कहा जा रहा था कि हाल ही के दिनों में जो मंत्री बने थे दीपक बिरुवा, उनका भी नाम सामने आ रहा था कि शायद झामुमो की ओर से दीपक बिरुवा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब जिस तरीके से यहां पर गीता कोड़ा जब से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामी थी, उसके बाद से यही कयास लगा रहे थे कि पश्चिमी सिंहभूम से बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगी वो गीता कोड़ा होंगी। अब इंडिया गठबंधन यानी कि झामुमो की ओर से जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो अब जो सीधा मुकाबला होगा वो जोबा मांझी और गीता कोड़ा का होगा। अब देखिए, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा पहले कांग्रेस में थी और पश्चिमी सिंहभूम जो है कांग्रेस की सीटिंग सीट थी, लेकिन जब से गीता कोड़ा बीजेपी का दामन थामी उसके बाद से यही माना जा रहा था और संभावना भी जताई जा रही थी आसिया कि ये जरूर बीजेपी की जो प्रत्याशी होंगी वो कोई और नहीं बल्कि गीता कोड़ा ही होंगी, और वैसा ही हुआ। देखिए, अगर हम लोग जोबा मांझी की बात करें तो जोबा मांझी को पहली बार लोकसभा का टिकट मिला है। इससे पहले वो 5 बार विधायक रही हैं और 4 बार मंत्री रही हैं, लेकिन पहली बार उन्हें लोकसभा का टिकट मिला है। तो अब देखने वाली बात होगी आसिया कि किस तरीके से जोबा मांझी इस सिचुएशन को टैकल करती है, किस तरीके से जोबा मांझी क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करती है और क्या मुद्दा को लेकर लोगों के बीच जाती है। क्योंकि लेकिन करिश्मा, ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, विनिंग कैंडिडेट है वहां पर जोबा मांझी, अब बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर, जो हो समाज का वोट है वो उनके साथ है और अब बीजेपी के जो कैडर वोट है वो भी उनके साथ रहेंगे, तो ऐसे में जोबा मांझी के लिए ये मुकाबला काफी मुश्किल भरा हो सकता है, या फिर जेएमएम ने किसी तरह की रणनीति बनाई हो, कोई समीकरण, कोई आकलन वहां पर तैयार किया हो। जी, जाहिर तौर पर कई दिनों से आकलन चल रहा था, कई दिनों से विचार विमर्श किया जा रहा था कि आखिर गीता कोड़ा के ऑपोजिट कौन उतरेगा, क्योंकि गीता कोड़ा जो है वहां पर पहले से सांसद रही हैं, कांग्रेस से उन्होंने चुनाव जीता था और कांग्रेस की वो सीटिंग सीट रही थी। हालांकि बीजेपी जब उन्होंने ज्वाइन किया था गीता कोड़ा, तब माना ही जा रहा था कि गीता कोड़ा ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन उनके ऑपोजिट कोई स्ट्रांग कैंडिडेट लगातार झामुमो सर्च में थी, लगातार झामुमो की ओर से कह सकते हैं कि मंथन जो है वो किया जा रहा था कि आखिर गीता कोड़ा के ऑपोजिट किन्हें रखा जाए। हालांकि जोबा मांझी को अब झामुमो चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो कह सकते हैं कि एक समीकरण जो है वो बना होगा या फिर विचार विमर्श किया गया होगा झामुमो की ओर से कि किस तरीके से जोबा मांझी वहां पर चुनाव लड़ेंगी। आपने सही कहा कि हो समाज वहां पर ज्यादा है और ऐसे में बीजेपी के कैडर वोट भी कहीं ना कहीं गीता कोड़ा को मिलेगा, तो सवाल ये उठता है कि आखिर झामुमो की ओर से क्या कुछ रूपरेखा या फिर झामुमो की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई। अगर जोबा मांझी को झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है तो यह कहना गलत नहीं होगा आसिया कि झामुमो पूरे तरीके से तैयार है। झामुमो अगर कांग्रेस से यह कहता हुआ नजर आ रहा था कि झामुमो जो है वो पश्चिमी सिंहभूम से चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो झामुमो की ओर से यही कहा गया था कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ज्यादा है, तो ऐसे में अगर झामुमो के खाते में पश्चिमी सिंहभूम सीट आया है तो कहीं ना कहीं झामुमो की ओर से पहले से उस सीट को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर
कर ली होगी और यही वजह है कि जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प होगा आसिया ये देखना, क्योंकि एक और गीता कोड़ा और दूसरी ओर जोबा मांझी दोनों ही महिला कैंडिडेट है। क्योंकि सवाल कई उठ रहे थे क्योंकि एनडीए की ओर से तीन महिला कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया है, एक अन्नपूर्णा देवी, दूसरी सीता सोरेन और तीसरी गीता कोड़ा। अब सवाल ये उठ रहा था कि इंडिया गठबंधन की ओर से आखिर वो महिला कैंडिडेट कौन होगी। ममता भुइयां को राजद ने जरूर पलामू से टिकट दिया है, लेकिन झामुमो और कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर झामुमो और कांग्रेस की ओर से कौन महिला कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतरती है। अब देखिए जोबा मांझी को जरूर झामुमो की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन कह सकते हैं पूरे तरीके से यहाँ पर समीकरण जो है वो झामुमो ने बना लिया है, एक रणनीति जो है झामुमो ने बना लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जोबा मांझी क्या क्या मुद्दा, क्योंकि मुद्दे काफी है पश्चिमी सिंहभूम में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हॉट सीट बनता जा रहा था पश्चिमी सिंहभूम। गीता कोड़ा को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे आसिया कि अगर पश्चिमी सिंहभूम से इंडिया गठबंधन एक प्रत्याशी उतारता है तो इंडिया गठबंधन के तहत आखिर वो कौन सा दल होगा, यानी कि झामुमो की ओर से प्रत्याशी होंगे या फिर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब देखिए क्लियर हो गया है कि झामुमो की ओर से जोबा मांझी जो है वो गीता कोड़ा का मुकाबला करेंगी जी। चलिए तो वाकई ये काफी दिलचस्प होगी सीट, और जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गई गीता कोड़ा तो उनके साथ बीजेपी का वोट बैंक भी जुड़ गया है, जो उनका अपना वोट बैंक हो समाज का वहां पर वर्चस्व है और ऐसे में वो वोट उनके पास है। और अब जोबा मांझी से उनका मुकाबला होगा तो क्या जोबा मांझी उन्हें कड़ी टक्कर देंगी यहाँ पर? गीता कोड़ा के लिए इस बार राहें इतनी आसान होंगी या नहीं होने वाली है? क्या यहाँ पर अब वहाँ की जनता अपने कैंडिडेट को जो सांसद रही है गीता कोड़ा उन्हें रिप्लेस करेगी या फिर से उन्हें पसंद करेगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।